नमस्कार, मैं हूँ आस्था मिश्रा और आप देख रहे हैं दलित टाइम्स। मनोरंजन की दुनिया तो हम सभी को बेहद पसंद है। कभी नाचकर, कभी गाकर, तो कभी बोलकर हमारा मनोरंजन किया जाता है। और मनोरंजन के इस जगत में फिल्मी जगत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हाथ होता है। परंतु हर दफे हमारा गाना, बोलना और नाचना सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं होता है। यह देश को, समाज को और दुनिया को बहुत ही महत्वपूर्ण सीख और संदेश देने के लिए भी होता है। जी हाँ, ऐसा ही एक संदेश हमें दिया है केरला के हिरणदास मुरली जी ने अपने रैप के माध्यम से, जो कि अभी उन्होंने हाल ही में गाया है कोची म्यूजिक फाउंडेशन में वेदन के नाम से। वेदन इंटरनेट पे बहुत तेजी से सुर्खियां बटोर रहा है। इस रैप के माध्यम से वे कहना चाहते हैं कि जिस पृथ्वी की वे पूजा करते हैं, वे कितनी तेजी से जहन्नुम बनता जा रहा है। जब हिरणदास जी से यह पूछा गया कि क्या उन्हें KMF में प्रस्तुति देकर खुशी हुई, तो उन्होंने कहा नहीं, वे रैप इसलिए करते हैं ताकि वे सब कुछ समाज से कह पाए जो आमतौर पर समाज उन्हें कहने नहीं देता। उन्होंने ये भी कहा है कि वे दलित नहीं है, समाज ने उन्हें दलित बनाया है। सालों से हुई उनके ऊपर प्रताड़ना पर यह रैप उनकी आप बीती है। यूं तो लिखने पढ़ने का शौक उन्हें शुरू से ही था, परंतु कुछ साल पहले घटी एक घटना ने ही उन्हें प्रोत्साहित किया ये रैप लिखने के बारे में। वे बताते हैं केरला फ्लड्स के टाइम पे जब उन्होंने एक व्यक्ति की तरफ मदद की हाथ बढ़ाई, तो उस व्यक्ति ने मदद नहीं लिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि हिरणदास जी निम्न जाति के थे। इस घटना ने उन्हें भीतर तक झंझोर कर रख दिया था। उसके बाद लॉकडाउन में उन्होंने इस रैप की स्क्रिप्ट लिखी, दोस्तों का समर्थन मिला और वहां के एक औराली ब्रांड का भी समर्थन उन्हें मिला, जिसके बाद वह KMF में अपनी प्रस्तुति कर पाए। उन्हें काफी खुशी है इस बात से कि लोग उनके रैप को पसंद कर रहे हैं और उसकी तारीफ भी कर रहे हैं। वे रैप के माध्यम से समाज में बदलाव लाना चाहते हैं। उनका अगला रैप भी जल्द ही हम तक पहुंचेगा। आगे की न्यूज के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए दलित टाइम्स और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल।